दोस्तों, आपने अक्सर सेना के अधिकारियों को शराब के ग्लास पकड़े और शराब पीते हुए देखा होगा, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि सेना में शराब पीना क्या कंपलसरी होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि सेना की इन शानदार पार्टीज में कोई अधिकारी कितनी शराब पी सकता है? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम भारतीय सेना में शराब पीने से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले, हमेशा की तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो SSB क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी प्लान और बहुत सा कॉन्टेंट मिलता है जो आपको डिफेंस एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करता है। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सेना में शराब का सेवन बहुत पुराने समय से होता आया है। पहले जब भी हमारे राजा महाराजा लड़ाइयां लड़ने जाते थे तो अपने सैनिकों को नशे के लिए तमाम चीजें उपलब्ध कराते थे, ताकि वे लड़ाई में जाने से ना घबराए और घायल होने की अवस्था में उन्हें दर्द भी कम महसूस हो। अंग्रेजी फौज में भी सैनिकों को कंट्रोल करने और उन्हें सुदूर क्षेत्र जैसे अफ्रीका और बर्मा में लड़ाई लड़ने को मोटिवेट करने के लिए विदेशों से आयातित शराब उपलब्ध करवाई जाती थी। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि शराब का सेवन कंट्रोल्ड हो, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, खास तौर पर तब जब इन सैनिकों की पहुंच जिंदा गोला बारूद तक हो। और निश्चित रूप से कोई नहीं चाहता कि एक नशे में धुत सैनिक जिंदा गोला बारूद के साथ हथियार संभाले। तो दोस्तों, सेना में शराब से जुड़ी और भी कुछ परंपराएं हैं। जैसे जब आप एक रैंक से उच्च रैंक पर पदोन्नत होते हैं और ऑफिसर्स मेस में पार्टी होती है, तब अक्सर अधिकारी पीते हुए दिखते हैं। लेकिन हर एक का पीना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। खाना पीना किसी अधिकारी की निजी पसंद पर निर्भर करता है, और सेना में भी बहुत से अधिकारी हार्ड ड्रिंक की जगह सॉफ्ट ड्रिंक का यूज करते देखे जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सेना के अधिकारी जितनी चाहे उतनी शराब पी सकते हैं, लेकिन असल में सेना के अधिकारी बहुत ही डिसिप्लिन से पीते हैं और ज्यादातर अधिकारी पूरी पार्टीज में एक या दो पैग ही लेते हैं। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि शराब पीना भारतीय सेना में एनकरेज नहीं किया जाता है, क्योंकि शराब पी लेने के बाद उनका उनके पैरों पर बिना लड़खड़ाए खड़े रहना पहली शर्त है। साथ ही साथ ज्यादा ही नशे में हो जाने और उस हालत में विशेष रूप से महिलाओं के साथ मिसबिहेव करने को भी बहुत गलत माना जाता है, जिस पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। Yes. तो दोस्तों, पहले आर्मी में अधिकारियों के साथ साथ सैनिकों को भी फ्री में शराब दी जाती थी, पर अब ये सुविधा बहुत साल से बंद की जा चुकी है। अब ये सैनिक और अधिकारी चाहे तो CSD से शराब खरीद सकते हैं, लेकिन ये जवान और अधिकारी हर महीने तक तय सीमा में ही शराब की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, शराब के सेवन से जुड़े कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हाई अल्टीट्यूड और कॉम्बैट कंडीशंस जैसे स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को केवल उतनी ही शराब का सेवन करने के लिए दिया जाता है जितने से वे खुद को गर्म रख सकें। सेना में शराब पीना एक सोशल नॉर्म है, जहां पूरी शाम के लिए एक या दो पैग लिया जा सकता है। अधिकारी शायद ही कभी नीट ड्रिंक या हैवी ड्रिंक लेते हैं। साथ ही ऑफिशियल डिनर नाइट्स में ड्रिंक्स सॉफ्ट या हार्ड के लिए केवल 30 मिनट का समय दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वायुसेना अधिकारी शराब पीने में सबसे ज्यादा सोबर होते हैं और लगभग 50% हार्ड लिकर नहीं लेते। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सेना में शराब पीने से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय सेना में होने वाली शानदार पार्टीज में एक दो पैग पीने का भी मन हो रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।